सब्सक्राइब कीजिए एग्जा इन्फो बड़ी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एग्जा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो वडी चैनल पे, जहाँ पे मिलती है आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी गवर्नमेंट जॉब, सभी एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है आपका आज के दिन। देखिए जो भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए 13 तारीख का नोटिफिकेशन आया आपका, ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर सीबीटी फर्स्ट एग्जाम, जो आपका एएलपीए टेक्नीशियन का जो फर्स्ट सीबीटी का एग्जाम हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे आप उसका आंसर की तरह एक चेक कर सकते हैं। आंसर की आया है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दूसरा पेज ओपन होगा। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के एक आपको एक जो है एग्ज़ाम का जो पेपर था ना, जो आप एग्ज़ाम दे के आए थे एएलपी या टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम दे के आए थे, वैसा ही पेपर आपके लिए एक ओपन होकर आएगा। तो आपको उस पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। तो अगर आपको जैसे कि पेपर में पहले का आंसर अगर बी लगा के आए थे और दूसरे का सी लगा के आए थे, अगर आपको याद ही आप क्या आंसर को किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगा के आए थे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत था उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और देखिए तो बताते हैं हम आपको किस तरह से आपको अपना स्कोर चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो बड़ी चैनल पे, जहाँ पे मिलते हैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी गवर्नमेंट जॉब और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलती है तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं लेटेस्ट और रियल एग्जाम इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो बड़ी चैनल को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि कौन सा पेज ओपन होकर आता है और हमको आगे क्या करना है। तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। देखिए हमने क्लिक करा तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आया है। तो देखिए मैं आपको नए पेज के बारे में दिखा देता हूँ। देखिए जो पेज आपका ओपन होके आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके जो लिंक जो चालू होगा वो 14 तारीख से चालू होके 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो केवल 4 दिन का ही समय मिलेगा आपको यहाँ पे अपना आंसर की देखने के लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर की मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूँगा आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है उनके आंसर की के बारे में उनको पता चल जाएगा कि आंसर की हमकारी आ गई या नहीं आई, क्योंकि केवल 4 दिन का ही समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें पता चल जाए आंसर की के बारे में। चलिए दोस्तों, इस आपको यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा ये पढ़ लेना है यहाँ पे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे ये लॉगिन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लॉगिन करेंगे तो एक और नया पेज ओपन होके आएगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन करा तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे आपको बताया आपको यूजर आईडी जो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है यूजर आईडी में, और आपको आपका पासवर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। यहाँ पे आपको डेट, मंथ और यहाँ पे ईयर डाल देना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन कर देंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा। तो चलिए उस पेज के बारे में आपको अगली वीडियो में जानकारी दे दूंगा कौन सा पेज ओपन होके आएगा, लेकिन आप उसको खुद ओपन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आप ओपन करेंगे तो उसमें आपका पहले में तो आपको अपना नाम दिखेगा, वहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, तीसरे पे जाके आप जो अपना एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने से आपको पता चल जाए, एक पीडीएफ ओपन होगा तो आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करके ओपन करना होगा। तो ओपन करके चेक कर पाएंगे आप वहाँ पे अपना कि आपका कौन सा ऑप्शन का कौन सा आंसर सही है और आप कौन सा अटेम्प्ट करके आए थे। तो जिसके जरिए आप अपना स्कोर पता कर पाएंगे कि आप अपना कितना स्कोर किया आपने अपने एग्जाम में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये जो आंसर मैंने अटेम्प्ट कराया वो सही है लेकिन आंसर की में गलत दिखा रहा है, तो उसका आप जो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। उसका ऑब्जेक्शन का भी एक ऑप्शन होगा वहाँ पे जाके आप अपना एक ऑप्शन अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं वहाँ पे। और चलिए दोस्तों, तो इससे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं और आपका कितना स्कोर यहाँ पे बन रहा है। खुद को जज कर पाएंगे आप कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पे बनना है आपका स्कोर। अगर आपका स्कोर 40 से लेके 45 के बीच में है तो निश्चिंत रहिए आपका इस बार जो है सीबीटी पास हो जाएगा, सीबीटी फर्स्ट जो है, और आप जो है सीबीटी सेकेंड की तैयारी कर सकते हैं अगर आपके नंबर जो है 40 से 45 के बीच में है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी एससी वाले से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आपके लिए आज की वीडियो। वीडियो को दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आपको कोई भी सवाल होता है
तो नीचे कमेंट कीजिएगा, चाहे आरआरबी से हो, चाहे आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलती है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं लेटेस्ट और रियल एग्जाम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।